पूछना है? बोलिए आप लोग पूछिए, कोई पूछना है तो। देखिए मैं आज जब दोपहर को मैंने एक वीडियो देखा कि नवीन बाबू भाषण देते हैं और उनका जो हाथ है पंडियन पूरा कंट्रोल करते हैं दो दो बार। देखिए नवीन बाबू व्यक्ति नहीं है, कभी कभी मैं देखता हूँ नवीन बाबू जो बार बार ट्वीट करते हैं वो भूल जाते हैं कि वो व्यक्ति नहीं है। कम से कम आज भी वो उड़ीसा का मुख्यमंत्री है, ही इज ए इंस्टीट्यूशन। उड़ीसा का सारे सार को लोगों का जो अहंकार है ये मुख्यमंत्री का साथ जुड़ा रहते हैं। अगर मुख्यमंत्री का हाथ कोई एक रिटायर्ड अधिकारी ऐसे कब्जा कर सकते हैं, फिर दाहिने ले जाओ बायां ले जाओ, ये जो उन्होंने दो तीन बार वीडियो में किया, आप लोगों ने वीडियो में देखा, ये बहुत दुख की बात है। ये कोई नवीन बाबू इसको क्लैरिफाई दे इससे कोई मतलब नहीं होते हैं। नवीन बाबू भूल चुका है कि वो उड़ीसा का मुख्यमंत्री है, वो पंडियान का मुख्यमंत्री नहीं है, ये उड़ीसा का मुख्यमंत्री है। सारे सार कोर उड़िया लोगों का स्वाभिमान उनका साथ में है। अगर भारत का और कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री उनका पीए पीएस ऐसा हालत करते थे तो चीफ सेक्रेटरी तुरंत फाइल ले आते थे कि आज ही उनको सस्पेंड कीजिए। ऐसे नहीं चलता है। चीफ मिनिस्टर इज अ चीफ मिनिस्टर, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन होते हैं। क्या आज कल्पना कर सकते हैं कि हमारे कोई मुख्यमंत्री मंच में होगा, हमारा हाथ जो भी है हेल्थ इश्यू सबका होता है, कोई बड़ा बात नहीं है, जैसे है ऐसे ही आप ठीक है, आपका कुछ होगा जो भी है, पर नवीन बाबू को ऐसे ही हमारा पसंद है, छुपाना क्या जरूरत है? और छुपाया भी जेंटली नहीं, ऐसे पकड़ के आगे करो पीछे करो दो दो बार। और उनका आंखों भी आप देखो, जैसे एसपीजी खड़ा होते हैं ना, आप पंडियान का आंखों देखो। मैंने आज दो वीडियो मिलाया, प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति महोदया या कोई भी बड़ा व्यक्ति का साथ जो एसपीजी होते हैं ना, आंखों हिला हिला के और ऐसे नवीन बाबू को देखते हैं, भाई इधर जाओ तो मैं करूंगा, उधर जाओ तो मैं करूंगा। और एक बार मैं बोलता हूँ, ये ट्वीट नवीन बाबू किया है, इसका क्या गारंटी है? कोई गारंटी ले सकता है? ये ट्वीट भी पंडियान करवा दिया होगा। मैं तो आज सुना हूँ पहला बार कि डिजिटल सिग्नेचर भी पंडियान का साथ है, नवीन बाबू फाइल भी नहीं देखते हैं। तो ये दुख का बात है। बीजेडी का लोगों को संज्ञान में लेना चाहिए कि मेरा मुख्यमंत्री को कितना आप अपमान करें। डेली बेसिस में उनका इंसाल्ट हो रहा है, डेली बेसिस में उनका अपमान हो रहा है, उड़ीसा का स्वाभिमान का ऊपर डेली अटैक हो रहा है, ये ठीक नहीं है। मैं इसलिए पंडियान को ही रिक्वेस्ट करूंगा, भाई कम से कम आप जाइए, आपका ऊपर लोग नाराज है, यहाँ तक आप उड़ीसा को लेके मत जाइए। आप कोई बीजेडी का मंच में मंत्री नहीं होते, कोई विधायक नहीं होते, कोई सांसद नहीं होते, ये क्या चल रहा है? कोई दूसरा स्टेट में है ऐसा भारत का? राजस्थान में जाइए, मध्य प्रदेश जाइए, आप बाकी छोड़ दीजिए, इंडिया गठबंधन का स्टेट में भी जाइए, कर्नाटक में जाइए, सिद्धारमैया का कोई हाथ पकड़ के रखते हैं ऐसे? तो इसीलिए मैं नवीन बाबू को रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत हो चुका है, एक तारीख चुनाव है, उसका पहले आप पंडियान को छुट्टी कर दीजिए। कम से कम सरकार तो नहीं बसेगा, लेकिन फिर भी कोई अपोजिशन में भी बैठने के लिए आपको कुछ सीटें मिलेगा। तो क्या लगता है आपको मुख्यमंत्री का जो पद है उड़ीसा में, उड़ीसा की गरिमा को ठेस पहुंचा रहा है? कम्प्लीटली कॉम्प्रोमाइज है। आज जो मैंने वीडियो देखा ये क्लाइमेक्स है, इसका ऊपर और क्या हो सकता है? पूरा ऐसे हाथ जैसे मशीन कब्जा कर लेते हैं, ऐसे हाथ को कब्जा करते हैं, बार बार बायां तरफ फेंक देते हैं, फिर नवीन बाबू हाथ उठाते हैं, फिर वो फेंक देते हैं। मतलब नवीन बाबू का मन था कि हाथ वो पोजीशन में रखने का, लेकिन पंडियान अलाउ नहीं करते हैं,
मतलब एक मुख्यमंत्री का अधिकार भी नहीं है कि उनका हाथ कौन सा जगह में प्लेस होगा, कौन सा जगह में रहेगा, वो भी पंडिया निर्णय करते हैं और पूरा जनता का सामने ये करते हैं। उड़ीसा का अहंकार के लिए, स्वाभिमान के लिए उससे दुख का बात कुछ नहीं हो सकता। मैं आज बहुत दुखी हूँ, एक दुख भरा मन लेके उड़ीसा से मैं जा रहा हूँ। उड़ीसा का मुख्यमंत्री का वो वीडियो दिल दुखा देते हैं, बहुत दिल दुखा दिया है आज। देखिए, मैं जक्कर होने में क्या प्रॉब्लम है, हम तो छोटे हैं, महाप्रभु जगन्नाथ बड़े हैं। मैं जो भी बने, मुझको जो भी बोले आप बोल दीजिए ना, लेकिन महाप्रभु का रत्न भंडार का साबी हमें दे दीजिए। हम क्या है, आप मैं ये दुनिया में आया हूँ, दुनिया में से जाना भी पड़ेगा। हमको जो नाम से बोला है हमारा क्या फर्क पड़ता है, हमारे लिए राष्ट्र बड़ा है, हमारे लिए महाप्रभु बड़ा है। आप मुझे जकार बोलिए, 420 बोलिए, जो बोलना है बोलिए, लेकिन महाप्रभु का साबी निकाल के दीजिए। सर, मुख्यमंत्री के सैनिक के तौर पर काम करते हैं करके पांडियन जी क्या? ये सैनिक है, कमांडर इन चीफ होते हैं। सैनिक कैसे होते हैं, मेरा पास मेरा सिक्योरिटी खड़ा है, इनको सैनिक बोलते हैं। हमारा सैनिक हमारा नजदीक भी नहीं आते हैं, ये सैनिक होते हैं, इसको कमांडर इन चीफ बोलते हैं। आज वो वीडियो देखने का बाद किसी का मन में संदेह नहीं होना चाहिए कि नवीन बाबू हस्ताक्षर भी नहीं करते हैं। आप राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में पिटीशन लगाइए, सारे हस्ताक्षर डिजिटली होते हैं और ये डिजिटल सिग्नेचर पंडियान यूज करते हैं। मेरा तो निवेदन होगा, हमारा जब सरकार होगा एक बार जांच भी कर ले कि चार पाँच महीना एक साल में जितना सिग्नेचर हुआ है क्या नवीन बाबू का संज्ञान में हुआ है या सीएम का सिग्नेचर पंडियान ने मिसयूज किया है, इसका भी एक इंक्वायरी होना चाहिए। देखिए, आज का बात और क्या मेडिकल रिपोर्ट चाहिए, कल तक तो मैं मेडिकल रिपोर्ट मांग रहा था, आज का बात कोई मेडिकल रिपोर्ट का जरूरत है? आज जो वीडियो निकाले, आज वीडियो तो फाइनल क्लाइमेक्स था। देखिए, मैं तो जो भी बोलता हूँ, हमारा तो नवीन बाबू से कुछ नहीं है, हमारा प्रॉब्लम तो नवीन बाबू से है ही नहीं, हमारा प्रॉब्लम है पंडियान से कि भाई आप क्यों सरकार चलाते हो। उड़िया लोग हैं, मंत्री है, चीफ सेक्रेटरी है, डीजीपी है, सरकार उनको चलाने दो, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। तो इसीलिए मेरा मानना है पंडियान ने उड़ीसा का साथ अन्याय किया है। उड़ीसा भारतवर्ष का सबसे बड़ा प्रोस्पेक्टिव स्टेट है, ये स्टेट का कल्याण, इस स्टेट का विकास बीजेपी का धर्म होगा। सरकार बनने वाला है 100 संख्या पार करते हुए, और आपको याद होगा मैं 3 महीना का पहले जब ये कार्यालय में आया था, मैं बोला था कि शपथ ग्रहण समारोह में आऊँगा, तब आप लोग मुझको पूछ रहे थे कि क्वालिशन होगा, अलायंस होगा। मैं इशारा देके गया था कि शपथ ग्रहण समारोह में आऊँगा, 10 तारीख अगर सब बुलाता है 10 तारीख दोबारा आऊँगा शपथ ग्रहण समारोह में। एस्ट्रोलॉजर नहीं है, लोगों का पाल्स 1996 ने मैंने चुनाव लड़ना शुरू किया। उड़ीसा में जब पहले सभा में आया था धीमा सा मैंने वेव देखा था, आज मयूरभंज भद्रक जगत सिंहपुरा में मैंने सुनामी देख के आया हूँ। शुरुआत हुआ था छोटे वेव से, लेकिन आज मैं सुनामी देख के आया हूँ। छत्तीसगढ़ में मैंने ऐसा ही देखा था, शुरुआत हुआ था छोटे लहर से, लेकिन चुनाव का अंत तक ये सुनामी बन गया था। उड़ीसा में सुनामी होने वाला है। उड़ीसा का लोग बहुत ही चिंतित है कि हमारा उड़ीसा कहाँ जा रहा है। उड़ीसा का लोग कभी भी पंडियान का सामने आत्मसमर्पण नहीं करेगा। ये बहुत बड़ा इतिहास है उड़ीसा का, स्वाभिमान अहंकार का उड़ीसा का बहुत बड़ा इतिहास है। ये चुनाव में उड़िया लोग प्रूफ कर देगा कि हम लोग स्वाभिमानी है। नवीन बाबू को थोड़ा प्यार करते थे, लेकिन प्यार का मतलब ये नहीं है कि हमारा स्वाभिमान भी किसी का हाथ में
हम उठा देगा, ये नहीं होता है। एक लक्ष्मण रेखा होते हैं, आज का वीडियो ने वो लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हाँ, जब उड़ीसा में ट्रेन एक्सीडेंट हुए थे तब मैंने नवीन बाबू को फ़ोन करने का कोशिश किया था। नवीन बाबू मेरा फ़ोन में नहीं आया वो दिन, लेकिन उनका ऑफिस में मैं पत्र लिख के बोला था कि अगर उस समय मेरा चीफ सेक्रेटरी भी उड़ीसा का ऑफिसर लोगों से बात किया था कि आपका ट्रेन एक्सीडेंट का समय में अगर असम सरकार का कोई भी सहायता चाहिए हम लोग हाजिर है। उड़ीसा, असम, बंगाल, बिहार, झारखंड, हम लोग ईस्टर्न इंडिया का है, बहुत बड़ा सिविलाइजेशनल रूट्स है। और उड़ीसा और असम हमारा भाषा भी लगभग 60% एक है, इसीलिए जब उड़ीसा का प्रॉब्लम होगा असम हमेशा उड़ीसा का साथ है, और उड़ीसा का जब असम का जब समस्या होते हैं उड़ीसा हमारा आशा है हमेशा हमारा साथ रहेगा। लेकिन जो आज असम में हुआ है छोटे ही हुआ है, हमारा कंट्रोल का लिमिट में है। अगर कुछ बड़े होते हैं हमारा उसमें कोई प्रेस्टीज का बात नहीं होगा, हम नवीन बाबू को फ़ोन करके मदद मांग लूँगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज एक और एक बात मैं बोल के जाता हूँ, ये बार बार नवीन बाबू का जो पार्टी है, कल शायद सस्मित पात्र और किसी ने बुलाया कि असम का उधार बहुत है हमारा उधार कम है। मैं बताना चाहता हूँ असम का उधार बहुत नहीं है, वी आर वन ऑफ द लोएस्ट स्टेट, डेट मैनेजमेंट हमारा अच्छा है, लेकिन अगर 1,00,000 पोस्ट में वैकेंट रखता हूँ तो उधार लेने का मेरा क्या जरूरत है। 1,00,000 पोस्ट का मतलब 500 करोड़ रुपया। अगर सरकार में आप अपॉइंटमेंट ही नहीं देगा सरकार का खर्चा अपने आप कम हो जाएगा, उधार लेने का आपको क्या जरूरत है, इकोनॉमी ही नहीं होगा। आज पूरा पांडियन जो सरकार चला रहा है ये एक बहुत नया मॉडल है, इसको जाके मैं स्टडी करूंगा कि आप सरकार में किसी को नौकरी मत दीजिए। अगर 1,00,000 लोगों को नौकरी नहीं देते हैं, 50,000 करके एक व्यक्ति का सैलरी होते हैं, मतलब 500 करोड़ रुपया हर महीना आपका सेविंग हो जाते हैं, तब आपको उधार लेने का क्या जरूरत है। मैं पांडियन को बोलना चाहता हूँ, आप मेरा प्रदेश एकदम छोटा प्रदेश है, मेरा बजट 1,20,000 करोड़ रुपया है, उड़ीसा का साथ मैं कहीं भी कम्पीट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं असम का लोगों को पेट्रोल 96 रुपीज़ में देता हूँ, पांडियन आप लोगों से 101 रुपया लेते है ना। उड़ीसा में पेट्रोल का लीटर 101 रुपया है, और बीजेपी शासित प्रदेश में, मोदी का प्रदेश में पेट्रोल का लीटर 96 रुपीज़ है। हर बार जर्नलिस्ट स्कूटर में तेल भरवाता है, जर्नलिस्ट लोग गाड़ी में तेल भरवाता है, पांडियन को 6 रुपया का आप लोग अलग टैक्स देते हैं। ये नया मॉडल है, सीखने वाला मॉडल है, मैंने आके सीखा यहाँ से। अगर लोगों को धोखा करके सरकार चलाना है पांडियन से सीखो, लोगों को नौकरी मत देना, सैलरी सेविंग्स हो जाएगा उसी से सरकार चला लो। पेट्रोल डीजल का भाव यूपी से ज़्यादा है, असम से ज़्यादा है, दिल्ली से ज़्यादा है, हरियाणा से ज़्यादा है, पंजाब से ज़्यादा है। अगर इकोनॉमी का बारे में कभी बीजेपी का लोग कोई डिबेट करना चाहते हैं मुझको कल भी कोई स्टूडियो में बुला लीजिएगा, मैं दोबारा उड़ीसा में आ जाऊँगा। अगर कोई उड़ीसा का बीजेपी का कोई मंत्री हमारा साथ इकोनॉमी का बारे में डिस्कस करना चाहेगा कोई भी टीवी चैनल में, मैं दोबारा आ जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। किसलिए, हमारा तो 30 तारीख को ही तो समाप्त होगा। ये कोई उड़ीसा में अच्छा इकोनॉमी नहीं चल रहा है, युवाओं को नौकरी से बाहर करके पलायन कर रहा है युवा। छत्तीसगढ़ सूरत में जाओ खाली उड़िया लोगों को देखेगा आप, 1,00,000 नौकरी खाली है, हमने एक भी पोस्ट खाली करके असम में नहीं रखा हूँ। तो इसीलिए हमें इकोनॉमी चलाने के लिए जो करना होता है करना पड़ता है। लेकिन मैं एक बात बोल के जाता हूँ, असम और उड़ीसा को कभी कंपेयर मत कीजिए। 30 साल हमने अल्फा से जेला हूँ, लास्ट 3 डिकेट्स में असम में 42,000 लोगों का सिविलियन का किलिंग हुआ है एक्सट्रीमिस्ट का हाथों में, 42,000 पीपल हैज बीन किल्ड बाई एक्सट्रीमिस्ट। मैं वो प्रदेश में आया हूँ,
लेकिन मोदी जी का गारंटी से, मोदी जी का कारण आज असम थोड़ा विकास का रास्ता में है, उड़ीसा में सीखूंगा, उड़ीसा से सीखने वाला चीज़ है वो भी सीखूंगा। मैं धर्मेंद्र भाई को बोल रहा हूं अभी उड़ीसा से क्या क्या सीखने का है तो वो भी सीखूंगा, लेकिन पांड्यन से मुझे कुछ सीखना नहीं है। मेरा जो सीखना है उड़िया उड़ीसा का सिविलाइजेशन से सीखना है, उड़ीसा का जनता से सीखना है, मुझको कोई पांड्यन से सीखना नहीं है। और आप लोगों को मैं खोला ऑफर दे के गया हूँ, अगर उड़ीसा का इकोनॉमी का बारे में पांड्यन भी रेडी होते हैं, मेरा कोई ईगो नहीं है कि सीएम पांड्यन से डिबेट करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आ जाऊँगा। जीडीपी डेप जीडीपी रेशियो क्या होता है, टैक्स जीडीपी रेशियो क्या होते हैं, डेफिसिट बजट क्या होते हैं, सरप्लस बजट क्या होते हैं, जो भी चाहिए, जो भी विषय चाहिए, कोई भी एक टीवी चैनल में पांड्यन जी को बुलाइए, मैं बैठ लूँगा। मेरा कोई ईगो नहीं है, मेरा कोई अहंकार नहीं है, 45 मिनट्स में बैठ लूँगा, फिर मैं उनको पूछूँगा कि जो स्टेट को आप नेग्लेक्ट कर रहा है वो स्टेट 96 रुपया पेट्रोल एक लीटर दे रहा है, आप 101 रुपया दे रहा है, वो स्टेट में एक भी पोस्ट खाली नहीं है, आप 1,00,000 पोस्ट खाली करके रखा है। तो इसीलिए आप लोगों का कोई ये चैलेंज लेके जाइए, ये 2-2 मिनट का वीडियो बना के क्या फायदा है, कोई फायदा है? कुछ तो फायदा नहीं है। उनको भी बुलाइए, मैं भी आ जाऊंगा। और मैं तो ये नहीं बोल रहा हूँ, मेरा कोई अधिकारी को भेजूंगा, कोई मंत्री को भेजूंगा, मेरा कोई ईगो नहीं है, मैं ही खुद आ जाऊंगा। अगर नवीन निवास भी जाना है मैं उधर भी चला जाऊंगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली में 400 पार, उड़ीसा में 100 पार, और आप देख लीजिए 4 तारीख बात करेगा आगे जाके।